नमस्कार दोस्तों, वीएमयू कोटा के नंबर वन हेल्पफुल चैनल एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा असाइनमेंट के बारे में कम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सेशनल वर्क संबंधी क्या क्या नई अपडेशन है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों, तो वीडियो को फुल वॉच करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वीएमयू कोटा रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोज लगातार मैं लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, हम अगर सबसे पहले बात करें वीएमयू कोटा के जो डिग्री कोर्स है उनके एग्जाम पैटर्न की अगर बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में दो मुख्य तो जो इसके पार्टिकल होते हैं, यहाँ पर एक होता है आंतरिक ग्रह कार्य जो सत्रीय, इसको असाइनमेंट बोल दीजिए, सेशनल बोल लीजिए, दूसरा होता है थ्योरी पेपर। तो थ्योरी पेपर एग्जाम्स आपके दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, जो 25 दिसंबर के बाद या 21 दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। अमूमन जो टाइम टेबल है वो भी बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। जो अभी जो अपडेशन आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, सत्रीय और आंतरिक ग्रह कार्य अभी जो आपको दोस्तों जमा करवाने होंगे तो उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। दोस्तों, सत्रीय और आंतरिक ग्रह कार्य जो दोस्तों हैं आपको यहाँ पर जो परीक्षा का ये अभिन्न अंग है, इन जिन जिन पाठ्यक्रमों में जो असाइनमेंट कार्य जो का प्रावधान है उनको आपको नहीं अगर जमा कराते हैं तो जो दो जो आप रिजल्ट घोषित होगा उसमें आपका जो है एनसी आ जाएगा, असाइनमेंट में एएस बोला जाता है उसको, तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आ सकती है। भले आप थ्योरी पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स ला के पास आउट होते हैं, लेकिन असाइनमेंट जब तक आप जमा नहीं करेंगे तब तक वो आपका कोर्स बिल्कुल अधूरा रहेगा और ओवरऑल जो है एनसी रहेगा। अगर असाइनमेंट जमा की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, तो आपको जो है दोस्तों जो जिनका दिसंबर सेशन में अभी जो एग्जाम होने वाला है उनको 15 नवंबर से पहले असाइनमेंट जमा करवा देने हैं। दिसंबर में अगर होने वाली परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हो तो आपको 15 नवंबर से पहले जमा करने हैं। और ये वीडियो अगर हो सके तो आप जब बाद में देखोगे तो कोई हो सकती है डेट बढ़ती भी रहती, तो इसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। दोस्तों, जो अभी की जो आज की डेट की बात है, जो अमूमन जो होता है सेशनल जमा कराने की, जिनके जून में एग्जाम होते हैं वो 15 मई से पहले जमा करवाते हैं जो असाइनमेंट होते हैं वो, और जिनके दिसंबर में एग्जाम है उनको 15 नवंबर से पहले जमा करना, ये शेड्यूलिंग है यूनिवर्सिटी की। इसमें कई बार थोड़ी बहुत ढिलाई वगैरह जो है डेट वगैरह आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जो अमूमन आपको इस डेट से पहले अपना जो काम है वो करके फ्री हो जाना है। जो असाइनमेंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर जो है कम्प्लीटली आपको असाइनमेंट एक बार ही जमा करने होते हैं। इसके बारे में आपको बता दूं, अगर आपने पहले जमा कर दी असाइनमेंट और आपके उसमें बैक है थ्योरी पेपर में, तो अब सिर्फ आपको बार बार असाइनमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इन डेट से पहले पहले ये असाइनमेंट से इनको जमा करना होता है। तभी हमारे जो दिसंबर में एग्जाम है वो बहुत जल्दी उसका टाइम टेबल भी आएगा, तो आपको 15 नवंबर से पहले अगर आपके पाठ्यक्रम में असाइनमेंट लागू है तो आप उसको जमा करवाना होगा आपको तैयार करके। अब इसमें और आगे की वीडियो में बात करें जैसे हम इसमें असाइनमेंट कैसे तैयार करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। और पर ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठ के आता है कि यदि विद्यार्थी ने 17/2016 मतलब जो पिछला जो एग्जाम था उसने दे दिया जून 2017 में, मान लो उसने एग्जाम दिया और उसके थ्योरी पेपर है उसमें अनुत्तीर्ण हो गया मतलब बैक आ गई, तो फिर उसको असाइनमेंट बार बार जमा कराना होगा? नहीं दोस्तों, आपको असाइनमेंट केवल एक बार ही जमा करना है। भले थ्योरी पेपर में बैक आएगी तो फिर आपको सिर्फ थ्योरी पेपर देना है डिफॉल्टर फॉर्म पर, असाइनमेंट बार बार जमा करने की जरूरत नहीं है। जिनके अभी दिसंबर 2020 वाले जिनके एग्जाम है वो 15 नवंबर से पहले असाइनमेंट जमा करा ले, क्योंकि जिन्होंने एग्जाम लिया था उसमें कम्प्लीटली वो एक वर्षीय कोर्स में, जिन्होंने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया उन सबके जो एग्जाम है दिसंबर 2020 में स्टार्ट हो जाएंगे मतलब 25 दिसंबर से, तो उनको अपने 15 नवंबर से पहले अपने असाइनमेंट जमा कर देने हैं। डेट अगर कुछ बढ़ेगी करेगी तो वो मैं फिर आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म दे दूंगा, या फिर जो अपना सोशल मीडिया इनपुट है वहाँ से आपको श्योर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश रहेगी। तो दोस्तों, असाइनमेंट की जो डेट की बात थी वो हमने आपको बताई दी, जो अभी की अपडेशन है वो। अब असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करें वीएमयू असाइनमेंट रिलेटेड, मैंने पूरी एक अपने जो चैनल है एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, तो आपको जो असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करें कैसे बनाए तक के असाइनमेंट हेल्प के ऑल वीडियो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। दोस्तों, सत्रीय कार्य कैसे बनाएं, कैसे प्रिपेयर करें, उसके बाद दोस्तों आप स्पीड पोस्ट से घर बैठे असाइनमेंट कैसे भेजें, ये वाला वीडियो आप जरूर वॉच कर लीजिएगा, आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएंगे। लिफाफा को कैसे तैयार करना है, उसके बाद फ्रंट पेज कैसा लगाना है, वो सारे वीडियो मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको मिल जाएंगे, उसके बाद इनको आप अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। बीए के असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करें मतलब आपको डाउनलोड करने के बारे में बताया गया, उनको डाउनलोड करना है, फिर उनके आंसर हैं जो बुक में से ढूंढ के फिर आपको तैयार करना है। और सपोज आपकी बुक अगर मान लो आपको नहीं मिली है तो आप ई बुक पीडीएफ डाउनलोड करके भी जो अपने असाइनमेंट है उनको तैयार करके आपको जमा करवाना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से वहां पर जो रिजल्ट आएगा उसमें असाइनमेंट नहीं जमा किया गया तो आपका रिजल्ट 100% रुका हुआ रहेगा और एनसी बोलता रहेगा। अब जो दोस्तों बात करते हैं असाइनमेंट के एड्रेस की, मतलब आप यहाँ पर जो इस वीडियो में मैंने बताया उस हिसाब से अपना जो असाइनमेंट का एड्रेस है उसको आप पूरा तैयार करके लिफाफा अगर घर बैठे भेजना चाहते हो तो आप सीधा तैयार कर दीजिए। उसके बाद जो असाइनमेंट जो रीजनल सेंटर के जितने भी एड्रेस है वो मेरे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वीएमयू एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर वीएमयू रिलेटेड अपडेट के लिए वीएमयू एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन और गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन दो चैनल बने हुए हैं, तो आप वीएमयू जो एजुकेशन जॉब
हेल्पलाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने वीओ में रीजनल सेंटर एड्रेस की एक जो पीस है, इमेज है, वो तैयार करके पूरे डाल रखी है। यहाँ पर आपको सारे रीजनल सेंटर के एड्रेस मिल जाएंगे, तो आप इन रीजनल सेंटर के एड्रेस पर अपना जो काम है 15 नवंबर से पहले पहुँचाने का असाइनमेंट का, तो उसको कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही एग्जाम का एक जरूरी पार्टिकल है। और बाकी असाइनमेंट अच्छे से तैयार कीजिए, ये सारे वीडियो आप देख लीजिएगा, 4-5 वीडियो देखने आपको असाइनमेंट आप इजीली तैयार कर पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा कुछ क्यूरीज है कमेंट कर दीजिए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर अपने विचार मेरे साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।